दोस्तों हॉटस्टार डिज्नी का जो 1 ईयर मेंबरशिप प्लान फ्री दे रहे हैं 401 का रिचार्ज में, उस प्लान को आपको एक्टिवेट कैसे करना है। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि इस प्लान को रिचार्ज करने के बाद अगर आपने दूसरा कोई रिचार्ज कर लिया या फिर आपने 401 का नेक्स्ट महीने रिचार्ज नहीं किया, क्या आपका 1 ईयर का जो प्लान है क्या वो लैप्स हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके मन में चल रहा है और आप सोच रहे हो कि इसके बाद ही आप रिचार्ज करेंगे, तो ये वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के बारे में जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों मैं हूँ हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन प्रेस करके फीडबैक दीजिए, साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, रिलायंस ने हाल ही में जियो का जो 401 है प्लान है इसमें लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको क्या है, इसमें आपको 28 डेज का वैलिडिटी मिलता है, 84 GB का डेटा मिलता है, प्लस 6 GB बैकअप, मतलब टोटल जो है 90 GB का आपको डेटा मिलता है। साथ ही साथ आपका अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता है जियो टू जियो, और आधा नंबर के लिए 1000 मिनट मिलता है आपको। सो ये तो गया आपका प्लान का डेटा, साथ में SMS भी अनलिमिटेड मिलता है। सो ये तो क्या प्लान का डिटेल। अब इसके साथ एक्स्ट्रा एड ऑन जो है वो है 1 साल का आपको हॉटस्टार डिज्नी VIP जो मेंबरशिप है वो आपको फ्री मिल रहा है। अभी क्वेश्चन आता है, इसको आपको क्या, इसको इस सर्विस को लेने के बाद, एक बार रिचार्ज करने के बाद जब एक्टिवेट हो जाएगा, क्या इसको हर महीने रिचार्ज करना है? जी इसका आंसर है जी बिल्कुल, हर महीने रिचार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप एक बार रिचार्ज करते हो तो आपको 1 साल के लिए डिज्नी का मेंबरशिप जो है फ्री में मिल जाता है। उसके बाद जो है आप अगर दूसरा कोई भाउचर रिचार्ज करते हो, जैसे कि हो गए 199 या फिर 399, जो भी अदर कोई भी प्लान अगर आप रिचार्ज करते हो, तो उसमें आपको जो है ये जो 1 ईयर का जो मेंबरशिप है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि आपको जो रिचार्ज है 401 का ही करना है, उसके साथ साथ जो एड ऑन जो डेटा पैक है 1208 का है, 1210 का भी है, कुछ ऐसा डेटा एड ऑन पैक है, उसके साथ भी ये आपको मेंबरशिप फ्री में मिल सकते हैं। बात करते हैं कि इस 401 का जो प्लान है वो रिचार्ज आपने कर लिया, उसके बाद आपको ये डिज्नी VIP का जो मेंबरशिप है उसको एक्टिवेट कैसे करना है। जी दोस्तों, इसको एक्टिवेट कैसे करना है कि आपको जब भी रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज करने के बाद आपको कोई कोड वगैरह नहीं दिया जाएगा, सिंपली आप रिचार्ज कर लीजिए। रिचार्ज करने के बाद क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और हॉटस्टार का जो एप्लीकेशन है, हॉटस्टार डिज्नी का जो एप्लीकेशन है, उसको आपको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ऐप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। सो लॉगिन के ऑप्शन में आपको जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब रजिस्टर जो करेंगे उसमें ध्यान रखिएगा, जो नंबर पर जियो नंबर पर आपने रिचार्ज किया उसी नंबर से आपको रिचार्ज, उसी नंबर से आपको सब्सक्रिप्शन जो आप रजिस्टर करने के लिए पूछा जाएगा, वही नंबर आप देकर रजिस्टर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको नॉर्मली आपका पूरा नाम, आपका एज और जेंडर पूछा जाएगा, वो करके आप ओके कर दीजिए। ऑटोमेटिकली जो आपको VIP जो सब्सक्रिप्शन है ऑटोमेटिकली आपको जो है अनलॉक हो जाएगा। सो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। अगर फिर भी आपको इसके बारे में अधिक कोई जानकारी जानना चाहते तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स है उस पर जाकर आप कमेंट कर सकते हो। सो मैं डेफिनेटली आपका आंसर करूँगा। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना